उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में समाजवादी पार्टी की पीडीएस साइकिल यात्रा के दौरान समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगा। इस यात्रा के दौरान सपा नेता रवि भूषण राजन का निधन हो गया। मिली जानकारी के मुताबिक साइकिल यात्रा के दौरान अचानक रवि भूषण राजन की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद खुद समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने उन्हें लखनऊ के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया। रवि भूषण राजन के किसी के पूर्व छात्र अध्यक्ष भी रह चुके हैं और फिलहाल मलिहाबाद में रहते थे। मेदांता के डॉक्टरों ने रवि भूषण को देखने के बाद उनकी हार्ट अटैक से मौत की पुष्टि कर दी। सपा के एक हैंडल से भी पोस्ट करके इसकी जानकारी दी गई। समाजवादी पार्टी की तरफ से सोमवार को पीडीएस साइकिल यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में खुद सपा प्रमुख अखिलेश यादव साइकिल लेकर निकले। ये यात्रा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जनेश्वर मिश्र पार्क तक आनी थी, लेकिन रास्ते में ही सपा नेता रवि भूषण राजन को हार्ट अटैक आ गया। आनंद फानंद में अखिलेश यादव खुद रवि भूषण राजन को लेकर मेदांता अस्पताल पहुंचे। यहां डॉक्टरों ने इलाज के दौरान उन्हें मृत घोषित कर दिया। मेदांता हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने हार्ट अटैक से मौत की पुष्टि करी। रवि भूषण राजन के निधन से समाजवादी पार्टी में शोक की लहर दौड़ गई। सपा नेताओं ने उनके निधन पर दुख जताया। रवि भूषण राजन समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य थे। सपा नेताओं ने कहा कि यात्रा की शुरुआत में रवि भूषण बिल्कुल ठीक ठाक थे। उनके हावभाव और बॉडी लैंग्वेज को देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि वो बीमार थे। वहीं ये भी बात निकलकर सामने आ रही है कि यात्रा में साइकिल चलाने के दौरान उनको अचानक हार्ट अटैक आया, जिससे उनकी मौत हो गई। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स